बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा होते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ता जा रहा है और पार्टी के निर्णय के खिलाफ कार्यकर्ता एकजुट होने लगे हैं। कमोबेश यह स्थिति सभी महत्वपूर्ण पार्टियों में देखने को मिल रही है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने विधानसभा से बाहरी और नए उम्मीदवार को टिकट दिया है, साथ ही ब्राह्मण और वैश्य समाज की जिले में उपेक्षा की गई है। बिहार बीजेपी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में यहां ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के अपमान और दरकिनार किए जाने को लेकर भारी रोष है। बगहा बाजार स्थित श्रीराम गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में प्रदेश बीजेपी नेता संजय पांडे ने कहा कि यहां के लोग नोटा बटन दबाकर विरोध करेंगे। मनोनीत करने का काम किया जो कि सरासर गलत निर्णय था। आप जो है संजय जी के खिलाफ हैं, प्रदेश अध्यक्ष के और राम सिंह के भी खिलाफ हैं। संजय जी के निर्णय के खिलाफ हैं। संजय जी बड़े पद पर चले गए हैं, इसलिए कर्जकर्ताओं के प्रति उनको समभाव रखना चाहिए, ऐसा वो कर नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत फुंडस निकालने का काम कर रहे हैं, जिससे पार्टी की क्षति हो रही है। पार्टी की इस जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र है, 9 में वैश्य और ब्राह्मण समुदाय का मात्र एक वैश्य को दिया गया है, जबकि यहाँ कम से कम 2 वैश्य को और 1 ब्राह्मण को देना जरूरी था, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है। ब्राह्मण को मिला ही नहीं है किसी, ब्राह्मण किसी को इस जिला में नहीं दिया गया है और वैश्य को भी जितना देना चाहिए उतना टिकट नहीं दिया गया। कम से कम इस जिला में वैश्य को 2 टिकट देना चाहिए था। ब्राह्मण को लेकर आपका आक्रोश है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बगहा विधानसभा के जनता की भावना को मैं बोल रहा हूँ। बगहा विधानसभा की जनता का भावना है कि यहाँ के कर्जकर्ता को टिकट मिलना चाहिए और निष्ठावान कर्जकर्ता को मिलना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबॉलिक लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। आपका भी बायोडाटा दिया था? हमारा भी बायोडाटा माननीय संगठन मंत्री बिहार प्रदेश भाजपा उनको हमने दिया था। बार बार हमने आग्रह भी किया कि बगहा के कर्जकर्ताओं में प्रतिभा का खोज किया जाए और इस बात को दरकिनार किया गया है। और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष अपने व्यक्तिगत खुन्नस निकालने का काम कर रहे हैं और जिसके वजह से पार्टी को काफी लेने की देनी पड़ सकते हैं इस चुनाव में। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि वो तो अच्छा हुआ है कि चूंकि पूर्व में ही यह निर्णय गलत हुआ था कि वो बाहरी आदमी थे, ब्यूरोक्रेट आदमी थे और ईमानदारी की परिभाषा में विधायक निधि से पैसा नहीं लेना नहीं आता है। चूंकि वो पूर्व में पेट्रोलियम सचिव थे, उस समय का उनका चरित्र चित्रण किया जाएगा तो पता लग जाएगा कि वो कितने चरित्रवान थे। ऐसे में इस चुनाव में आप लोग भीतरघात करेंगे, पार्टी का विरोध करेंगे, उम्मीदवारों को हराने का? हम भीतरघात की बात नहीं कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कार्यकर्ताओं में उदासीन भाव है, इसका कुछ भी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हम तो अपना वोट नोटा को देंगे और बाकी यहाँ के भी जनमानस में उदासीनता की भाव है और बीजेपी के समर्थित जितने लोग हैं वो गम की आंसू बहा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी व्यथा में हैं। वो लोग भी अपना मन बना रहे हैं कि इस बार हम लोग नोटा में वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिएगा? हम पार्टी के विचारधारा के विरोध में नहीं है, पार्टी के कुछ निर्णय के विरोध में है जो पार्टी हित में नहीं है। इस चुनाव में विरोध पार्टी में रह के पार्टी का विरोध कीजिएगा? हम पार्टी में हैं, पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन पार्टी के अनुचित निर्णय को जिससे पार्टी को घात पहुंचने वाला हो, पार्टी की बदनामी होने वाले, इस चुनाव में आप बगावत करिएगा प्रत्याशी के विरुद्ध? प्रत्याशी तो किसी तरह से हम क्या, यहाँ की जनता खुश नहीं है, चूंकि यहाँ का लोकल प्रत्याशी का मांग है और लोकल कर्जकर्ताओं का मांग है कि किसी कर्जकर्ता को टिकट दिया जाए और यहाँ के कर्जकर्ताओं में ही प्रतिभा की खोज की जाए। तो चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? हमारी क्या भूमिका रहेगी, सारे लोगों की भूमिका उदासीनता की भाव है। अब रही बात की जो कर्जकर्ता, अभी कुछ कर्जकर्ता जो बनाए गए हैं वो किसी न किसी प्रतिनिधि के द्वारा मनोनीत कर्जकर्ता है, वो लोग बाध्य है, पार्टी बंधक बना करके अपना काम करेगी, लेकिन वो दिल से कोई काम करने के लिए लोग रेडी नहीं है। यानी भीतरघात होगा ये भी माना जाए? इसकी भी संभावना है और इस निर्णय के लिए लेनी की देनी पड़ सकती है पार्टी को।
बता दें कि पश्चिमी चंपारण जिले के 9 विधानसभा सीटों पर अतिगत समीकरण जातिगत समीकरण के आधार पर ब्राह्मण और वैश्य मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। ऐसे में टिकट बंटवारे में लिया गया निर्णय और की गई अनदेखी से नाराज कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रत्याशियों के खिलाफ अपना रोष दिखा रहे हैं।